दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। ताली हम कब बजाते हैं? खुशी के मौके में बजती है, वो दुख के मौके में? खुशी के में। तो यहाँ पे माहौल कैसा लग रहा है? खुशी का है। तो दोस्तों, थैंक यू। तो दोस्तों, जब खुशी का माहौल है और ताली हम कब बजाते हैं? या तो जैसे गेम्स होते हैं तब, या पूजा करते हैं तब, क्योंकि ताली बजाने से कंसंट्रेशन यानी कि जो दिमाग की शक्ति होती है वो बढ़ती है और उससे स्वास्थ्य भी मेंटेन होता है। तो हम और किसी की बात माने या ना माने, लेकिन बाबा जी, रामदेव बाबा की सभी लोग बात मानते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के लिए एक जोरदार ताली हो जाए सबके लिए। थैंक यू दोस्तों। अभी दोस्तों, इस बिजनेस में क्यों काम करें? जब मैं तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि सर, मैं 8-9 हजार रुपए की नौकरी कर तो रहा हूं, क्यों काम का दूसरों को मैं ये बोलता रहूंगा कि आप ये ले लो। कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में ये बात आती है, सर ना? लेकिन दोस्तों, जो लोग ओपन माइंडेड होते हैं, जो लोग थोड़ी ऊंची सोच के होते हैं, जो लोग बहुत आगे जा चुके हैं, उनके दिमाग में ये बातें नहीं आती। आती है क्या? आप बताओ, सचिन जी हमारे से गरीब है, अमीर है? अमीर है। गोविंदा जी हमारे से गरीब है, अमीर है? अमिताभ बच्चन जी गरीब है, अमीर है? और माधुरी दीक्षित जी गरीब है, अमीर है? लेकिन आप उनका इतिहास उठाकर देखो, सचिन जी को जूते बेचने की एडवर्टाइजमेंट दे दो, ठग से करने के लिए आ जाएंगे। करते नहीं, सचिन जी जूते बेचते हैं, ये सुन लो। गोविंदा जी अपना लक पहन के चलो, या अपनी बनियान वाली एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सनी देओल जी करते हैं। अगर बात करें माधुरी दीक्षित की, वो भी करती है, मेरे सौंदर्य का राज लक्ष्य बोलती थी, ये सुन लो। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे बोल रहे थे माधव जी कि माधुरी दीक्षित जी के क्या खुद भी 10 रुपए के साबुन से नहाती होंगी? उनके कुत्ते भी नहीं नहाते होंगे 10 रुपए वाले साबुन से, वो भी 25 रुपए वाले से नहाते होंगे, लेकिन फिर भी वो बेचारी पैसा कमाने के लिए बोलती है। ऐसे ही दोस्तों, इतना बड़ा खलनायक, इतना बड़ा महानायक, सदी का महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन भी 1 रुपए के पोच को बेचने के लिए शर्माता नहीं है। शर्माता है क्या? नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कुल सुना सभी ने, लेकिन हम और आप एक एवरेज परिवार से रह के भी पॉलिसी जैसे प्रोडक्ट को और HCL जैसे प्रोडक्ट को और ब्रांडेड CNBC आवाज जैसे प्रोडक्ट को बताने के बारे में थोड़ा शर्माते हैं। क्या हम झूठ बोलते हैं? सही बोलते हैं? तो दोस्तों, सही बोलने के लिए जज्बा होना चाहिए, और ये सोच के बोलना है कि कोई भी आदमी किसी भी चीज को रिकमेंड करने की पावर केवल अच्छे और हाई प्रोफाइल के लोगों की रहती है। आप बताओ, अच्छे अच्छे स्टार, अच्छे अच्छे प्लेयर, अच्छे अच्छे जो नेता अभिनेता है, वही लोग किसी चीज को रिकमेंड कर सकते हैं, यस और नो? इसके अलावा ये अथॉरिटी किसके पास है रिकमेंड करने वाली? क्या बात है, सारे के सारे सिक्योर लाइफ के एडवाइजर भी कुछ चीजों को रिकमेंड कर सकते हैं। मुबारक हो आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। क्योंकि दोस्तों, HCL को यह तो पता नहीं कि हमको पर्सनली तो जानती नहीं कि भाई ये हमारे प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन सिक्योर लाइफ की अपॉर्चुनिटी के माध्यम से जरूर हमको जान चुकी है कि ये लोग हमारे प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं, तो हमको उस चीज का फायदा उठाना चाहिए, ये सुन लो। फिर भी दोस्तों, कई लोगों को इस चीज से नहीं भी सेटिस्फेक्शन आता है, तो कम से कम अपने परिवार को मेंटेन करने के बारे में तो जरूर सोच लेना चाहिए। क्योंकि वो जमाना चला गया जब पैसा लगा के पैसा कमता था, नंबर एक बात, और दूसरी बात कि वो जमाना चला गया जब थोड़े से भी काम चलता था। सही है, ये सुन लो। महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, कम बढ़ रही है? ज्यादा बढ़ रही है कि नहीं? लेकिन दोस्तों, उसमें दो रास्ते हैं हमारे पास। एक तो हम झंडा लेके खड़े हो जाए, बोला गवर्नमेंट गिराओ, महंगाई बढ़ रही है। क्या गवर्नमेंट गिरने से महंगाई, दूसरी गवर्नमेंट आने से महंगाई रह जाएगी, खत्म हो जाएगी क्या? महंगाई वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्या? नहीं होगी। लेकिन अगर हम एक काम कर लें कि अपने आप को इतना ऊंचा उठा लें कि महंगाई वाली प्रॉब्लम हमारे दिमाग में या हमारे से कहीं पर भी टच ना कर पाए, तो ये कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं आप देख सकते हैं इसको, नेक्स्ट सतप्रकाश जी, नेक्स्ट, कि 1960 में, कई लोग सीनियर लोग होंगे उनको मालूम है कि 1960 में 100 रुपए के लगभग अपने परिवार का खर्चा चल जाता था एक एवरेज परिवार का। 1980 आया, 20 साल के बाद आगे एक जीरो और लगी, 1000 रुपए में खर्चा चलने लगा। 2000 आया, एक जीरो और लगी, 10000 रुपए में एवरेज परिवार का खर्चा चलने लगा।
आप बताओ, जैसे जैसे 20 साल गुजर रहे हैं और हर बार जीरो लगती आ रही है, जीरो लग रही है, ये सर लो तो अभी एक बात बताओ, आगे 2020 आएगा भी फिर दोबारा जीरो लगेगी कि नहीं लगेगी? लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? देखो लगनी तो नहीं चाहिए, हम चाहते हैं नहीं लगे, लेकिन क्या कोई रोक पाएगा क्या लगने से? कोई रोक पाएगा? रोक तो पाएंगे, एक तरीके से रोक सकते हैं कि हम अगर अपनी 10 लाख रुपए महीने की इनकम बना लेते हैं तो ऑटोमेटिक अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेकिन यहां पे 2020 आएगा तो 1 लाख रुपए की एक एवरेज परिवार को घर चलाने के लिए चाहिए होगा। तो आज हमारे पास अगर वो है तो कोशिश करें उसको 10 लाख में बढ़ाए, क्योंकि हो सकता है 2 जीरो लग जाए, क्योंकि महंगाई तो ज्यादा बढ़ रही है। अगर नहीं है तो यहां पर एक मौका है दोस्तों कि हम यहां पे इस सिस्टम के माध्यम से, हमारे को अगले 8 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं, 1 साल 2 साल या 3 साल के अंदर हम आराम से 1 लाख से ज्यादा रुपए महीने की इनकम यहां से ले सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि पहले की थोड़ी सोच में और अभी की सोच में थोड़ा फर्क है। मानते हो इस बात में फर्क है कि नहीं है? कई लोग क्या करते हैं कि आजकल के रिमिक्स गानों के जमाने में आदम के जमाने वाले गाने गाते हैं, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर वो भी आज की डेट में महंगाई के जमाने में कई लोग पुराने किताबी बातों को बात शेयर करते हैं तो आज वो चलेगा? एक दोहा मैंने सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा, और सुना होगा तो मैं जरूर आप लोगों से सहमति चाहूंगा कि पहले एक दोहा था कि दाता इतना दीजिए, कई लोग अभी भी हमारे जो सीनियर सिटीजन रहते हैं वो बोलते हैं कि ज्यादा माया के चक्कर में नहीं पड़ना, दाता इतना दीजिए, दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यानी कि जिसमें हमारे परिवार का खर्चा चल जाए और मैं भी भूखा ना सोऊं और साधु भूखा ना जाए, ऐसा बोलते थे कबीरदास जी। लेकिन बताओ कबीरदास जी के टाइम में अभी में फर्क है कि नहीं है? है कि नहीं? यस और नो? कबीरदास जी ने तो उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल पक्का बंदोबस्त कर लिया था, बोला दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मतलब मेरे परिवार का पूरा खर्चा चल जाए और मैं भी भूखा ना सोऊं, खुद भी भूखा नहीं सोए और साधु भी भूखा नहीं जाए, उसने बंदोबस्त कर लिया था। लेकिन दोस्तों आज की डेट में अगर कबीरदास जी होते थे दोहे को बोल सकते थे क्या? बोल पाते? क्योंकि यहां पर तो जीरो जीरो लगती आ रही है हर बार। तो आज की डेट में अगर कबीरदास जी होते तो क्या बोलते कि दाता इतना दीजिए, क्योंकि यहां पर आजकल में जो बिल की संख्या बढ़ गई है, पहले पेपर वाले का बिल आता था, इंटरनेट का बिल आता था, मोबाइल का बिल आता था, बिजली का बिल आता था, राशन का या और किसी चीजों का बिल आता था। दोस्तों पहले कोई बिल ही नहीं आता था, लेकिन आज अगर कबीरदास जी होते तो पता लग जाता उनको दाता इतना दीजिए वाली बोल के। आज अगर कबीरदास जी होते तो इस टाइप से बोलते कि दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, क्योंकि इतने सारे बिल जो चुकाने हैं। यस और नो? दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए और कटे जिंदगी ऐसे, क्योंकि उस टाइम पर एसी और कार वारंट थी नहीं, तो उसमें एसएमएस वाला कोई बात ही नहीं थी। अभी होते तो ऐसे ही बोलते कि दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए और कटे जिंदगी ऐसे, पीढ़ी बैठी खाए सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों लेकिन अभी ये बात तो हमारे को समझ में आ गई, तो आज के जमाने के हिसाब से तो आज की डेट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, और सबसे बेहतरीन मौका हमारे पास सिक्योर लाइफ अपॉर्चुनिटी के रूप में मिली। यहां पे आप ये देखो कि हम छोटा सा एक कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, एक बाहर में मार्केट में एक बिजनेस करना है और यहां पर सिक्योर लाइफ के बिजनेस में थोड़ी सी एक तुलना आपको समझने करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बताओ बाहर किसी को अगर 1 लाख रुपए महीने कमाना है, 1 लाख रुपए महीने कमाना है तो कम से कम कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा मार्केट में? कम से कम 80 लाख 70 लाख रुपए तो लगाना पड़ेगा, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि उसको 1 लाख रुपए महीने इनकम आ जाएगी। सही है, हम सारी चीजें पेमेंट करने के बाद बोल रहे हैं, फायदे की बात कर रहे हैं। सही है, उसके बाद भी गारंटी नहीं है, 60-70 लाख रुपए 80-90 लाख रुपए लगा के भी आदमी को गारंटी नहीं है 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, सिर्फ 15,000 रुपए बचा के ये बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, ये 15,000 रुपए बचा के 1 लाख रुपए महीने कमाने का बिजनेस मिल रहा है। यस और नो? तो दोस्तों यहां पे अगर हम देखें
तो क्या चीज है? नंबर एक, जीरो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो 15,000 रुपए हम जो लगा रहे हैं वो तो हम बचा रहे हैं भाई, लगा कहां रहे? सर बैंक से उठा के उसको रिलायंस को दे रहे हैं, यस और नो? तो बचा रहे हैं, तो जीरो इन्वेस्टमेंट है। मिनिमम लीगल लायबिलिटी, क्या हमको इसमें ज्वाइन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं से परमिशन लेनी पड़ती है क्या? नहीं लेनी है। गवर्नमेंट जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो सारी की सारी सिक्योर लाइफ हमारी तरफ से व्याप पे करती है, सही है, करती है, यस और नो? नेक्स्ट है नो एम्प्लॉइज। वहां पे आपको कोई भी बिजनेस करोगे कुछ लोगों को नौकरी रखना पड़ेगा, और आजकल मालूम है नौकर चाबी को लेके साथ में चले जाते हैं और कुछ भी चीज उठा के लेके चले जाते हैं, सही है? तो नौकर यहां पर नहीं रखना है, एम्प्लॉइज नहीं रखना है। नो बॉस, हर एक जगह पर हमारे को बॉस झेलना पड़ता है, लेकिन यहां पर बॉस नहीं रखना है। नो रिस्क, जब हमने कुछ पैसा ही नहीं लगा रखा था यहां पर कोई रिस्क है सर? वहां पे अगर आपने कोई भी 70-80 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए खर्च करके रखे हैं, वहां पे हर बार शेयर मार्केट गिर गई तो सोचना पड़ेगा, आंधी तूफान कोई नेचुरल क्लाइमेटीज आ गई तो सोचना पड़ेगा, बार बार चिंता रहती है, ये सर नो? क्योंकि इतना सारा पैसा जो लगा रखा है, लेकिन यहां पर नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यहां पर जितना करोगे उससे ज्यादा आपका बढ़ेगा, उससे ज्यादा, क्योंकि आप अगर एक डीडी भेजोगे तो कहीं ना कहीं आपकी डाउनलाइन भी 4 भेजेगी, यस और नो? नो रिस्क, यहां पर रिस्क नहीं है। दूसरा, आपको ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम, होम बेस्ड बिजनेस। तीसरा, प्योर फ्लेक्सिबल आवर, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सवेरे 6 से लेकर 8 बजे तक करना पड़ेगा, या सवेरे 6 से लेकर 10 बजे तक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने समय को अपनी सुविधा के अनुसार सेट कर सकते हैं। टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन, वहां पर आप दुकान पर जितनी देर बैठोगे उतना इनकम आएगी, यस और नो? लेकिन यहां पर आपका टाइम कंपाउंड होगा, आपका टाइम कई गुना हो जाएगा। कैसे गुना हो जाएगा? आप एग्जांपल ले सकते हैं, पहले ओम प्रकाश जी ने शुरुआत किया था ये बिजनेस तो अकेले थे, यस और नो? लेकिन पहले उन्होंने क्या सीख लिया, सीखने के बाद 10 लोगों को सिखा दिया तो उनकी 10 की टीम होगी, यस और नो? 10 लोगों ने 10-10 को सिखाया तो 100 की टीम होगी, 100 ने 10-10 को सिखा दिया 1,000 की होगी, 1,000 ने 10-10 को सिखा दिया 10,000 की होगी, और 10,000 ने 10-10 को सिखाया था लाखों की टीम होगी। आज उनके लिए लाखों घंटे काम हो रहा है, यस और नो? तो दोस्तों यहां पर टाइम कंपाउंडिंग है, लेकिन आप बताओ ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कहां टाइम कंपाउंड कर सकते हो? नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। यहां पर आप जो पैसा कमाते हो पहले खर्चा करो, उसके बाद बचेगा तो टैक्स दे देना, या टीडीएस तो पहले से कट जाता है लेकिन बाकी टैक्स बाद में देना है। लेकिन दूसरी जगह क्या होता है, पहले टैक्स दो बाद में अपने मुनाफे की बात करना, सही है? नेक्स्ट है नो क्रेडिट। दूसरी जगह पे क्या होता है, अगर उधार नहीं दोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन यहां पे उधार दोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर उधारी वाला सौदा होता ही नहीं। आप बताओ किसी भी आदमी को कंपनी उधार में पैकेज भेजती है क्या? बगैर डीडी के ग्रीनिंग करती है क्या? नहीं करती है। तो यहां पे नो क्रेडिट, यहां पे उधारी वाला सिस्टम है ही नहीं, नेचुरल एंड मैनमेड। यहां पे ये जो बिजनेस है नेचुरल है, प्राकृतिक तौर पे है और मैनमेड है, आदमी आदमी को दूसरे से बात करके इसको आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है मेंटरशिप प्रोग्राम। आप बताओ दूसरी जगह अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन सफल हो रहा है, आप उसके पास जाके बोलोगे सर मेरे को बताओ आपकी दुकान कैसे सफल हो रही है, बताएगा आपको? बताएगा? और बोलेगा आप जाओ यार कहीं ना कहीं मेरे सामने खोल के बैठ जाएगा, मेरा और फेल करेगा, सही है, यस और नो? लेकिन अगर हम आज संजय जैन जी से, ओम प्रकाश जी से, चतुर्वेदी साहब से, जितने भी हमारे मेंटर हैं, जितने भी आदर्श हैं, उनसे अगर हम पूछे तो बताते हैं कि नहीं, यस और नो? बताने के लिए तैयार हैं? आप भी अपनी डाउनलाइन को बताने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों यहां पर मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो आगे बढ़ चुका है वो सबको दिल खोल के बताने के लिए तैयार है, जो कि दूसरी जगह पे कहीं पे भी नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केट में और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं चाहूंगा आप जरूर देख ले, इसको जरूर समझ ले, कि वहां पे भी काम करना पड़ता है और यहां पे भी काम करना पड़ता है, लेकिन नेटवर्क जो ट्रेडिशनल मार्केट है वहां पे कैसे है, 1 साल काम करोगे डेली 8-8 घंटे, 30 दिन तक काम करोगे एक तनख्वाह मिलेगी, यस और नो? फिर 5 साल फिर करोगे फिर तनख्वाह, 10 साल करोगे फिर तनख्वाह, 20 साल करोगे फिर तनख्वाह, 30 साल करोगे फिर तनख्वाह, और 35 साल भी करोगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी, और लेकिन जैसे ही काम बंद और दाम। लेकिन दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट में
कैसे काम होता है कि पहले आप काम करते हो महीने महीने के हिसाब से है कि अगर आप 5-6 महीने काम करते हो तो आपको थोड़ी सी इनकम आती है, कुछ आपकी टीम बन जाती है, फिर आप काम करते हो आपकी और टीम बढ़ जाती है और आपकी इनकम बढ़ जाती है, और काम करते हो आपकी टीम काम कम होता जा रहा है आपकी टीम बढ़ती जा रही है, काम दाम बढ़ते जा रहे हैं, फिर और अभी काम कम हो रहा है और दाम ज्यादा हो रहे हैं, अभी उसके बाद और काम और कम दाम और ज्यादा, उसके बाद काम और कम और दाम और ज्यादा, और एक टाइम के बाद कोई काम नहीं और दाम ही दाम आपके पीछे पीछे रहेंगे, दाम ही दाम आपके साथ में रहेंगे। लेकिन दोस्तों इस चीज के लिए एक बताया जाता है कि वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी है, ये भगवान ने हमारे लिए एक वरदान की तरह दिया है, इसको हम चाहें तो वरदान की तरह ले सकते हैं और चाहे हम ऐसे नॉर्मल चीज लेके छोड़ सकते हैं। बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस बट ऑफ चॉइस, सक्सेस को चूज करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है, वो बाय चांस अचानक किसी के गले में आकर नहीं अटक जाती, सही है? तो दोस्तों क्या हम सक्सेस को चूज करने के लिए तैयार हैं? अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों चूज करने के लिए तैयार है, उसको साथ में लेने के लिए तैयार है, तो अभी यहां से क्या करना है, क्यों करना है, यह बात समझ में आ रही है? क्यों करना है, काफी सारी बातें हो चुकी है, यह समझने के लिए मेरे ख्याल से काफी है, लेकिन अभी सवाल एक और ये आता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सही है? मेरे को भी यही सवाल था, लेकिन ओम प्रकाश जी ने मुझे एक ही बात बताई थी कि ग्रेवाल जी यहां पे सिर्फ एक आदमी को छोड़ के जो मर चुका है जिसकी हार्ट बीट नहीं चल रही और दूसरा जो बोल नहीं सकता, दो को छोड़ के और कोई भी आदमी यहां पे कमा सकता है, कोई भी आदमी डायमंड बन सकता है, कोई भी आदमी 6 फिगर की इनकम ले सकता है, कोई भी आदमी आगे बढ़ सकता है, बस उसने एक बार ठान लेना है, क्योंकि यहां पे आप बताओ अगर वो बोल नहीं सकता ज्यादा तो उसके साथ में लोग हैं उसके साथ बोलने के लिए, अगर वो किसी को बता नहीं सकता तो बताने के लिए सिस्टम है, अगर वो किसी के पास बहुत ज्यादा क्लेवर नहीं है तो यहां पर क्लेवर आने वाले लोग काफी सारे लोग हैं, तो हमारे को अगर हमको नहीं मालूम है तो सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो यहां पे सक्सेस लेने के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं, नंबर एक बात आप लोग सिलेक्टेड लोग हैं, नंबर दो बात आप अद्भुत लोग हैं, यूनिक है, क्योंकि यूनिक है, आप जैसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है दूसरा, और यूनिक लोग यूनिक काम आराम से कर सकता है, क्योंकि ये भी जो बिजनेस है ये यूनिक टाइप का बिजनेस है, अनोखा बिजनेस है, इसमें जो बातें नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में नहीं होती है वो अलग से उससे अलग टाइप की बातें यहां पर डिस्कस की जाती है या होती है। तो आप बिलीव कर ले कि आज से आप बिलीव कर ले कि आप 100% जब चतुर्वेदी साहब एक नौकरी कर रहे थे वो डायमंड बन सकते हैं, सक्सेस ले सकते हैं, ओम प्रकाश जी नौकरी कर रहे थे वो सक्सेस ले सकते हैं, संजय जैन जी एक कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे थे, साइबर कैफे था उनका, वो सक्सेस ले सकते हैं, मेरा जैसा एक नॉर्मल छोटी सी नौकरी कर रहा था वो सक्सेस ले सकता है, पवन निगम जी एक स्टूडेंट थे जब वो सक्सेस ले सकते हैं, आशीष दुबे जी पेप्सी कोला के डिस्ट्रीब्यूटर थे वो सक्सेस ले सकते हैं, मिस्टर दशरथ सिंह जी वो एक आर्मी में एज ए सिपाही ड्राइवर थे वो सक्सेस ले सकते हैं, काफी सारे डायमंड है, मिस्टर अरविंद सिंह जी जो नेवी में पीटी अफसर थे वो सक्सेस ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा उनमें क्या था और ऐसा हमारे में क्या नहीं है जो हम सक्सेस नहीं ले सकते? क्या सारे सक्सेस ले सकते हैं? ले पाएंगे? तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आपकी सक्सेस के लिए और आपके कमिटमेंट के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों। सक्सेस के लिए यहां पर हमारे लिए एक रास्ता बताया गया है, पाथ, PATH, पाथ, पथ फॉर पाथ, पाथ में रहता है फर्स्ट आता है P फॉर पेशेंस होता है, सभी लोगों को मालूम है, लेकिन यहां पर कौन सा पेशेंस है? धूप में खड़ा रहने वाला पेशेंस नहीं है, क्योंकि हमने लोगों से बात करनी है तो हम लोग धूप में खड़े होकर थोड़ी बात करते, छाया में आराम से बात करते, सही है? तो पेशेंस ऐसा नहीं है कि एक टांग पे खड़ा होना है, पेशेंस ऐसा भी नहीं है कि किसी की दूसरी जिल्लत झेलनी है, पेशेंस सिर्फ एक ही है, यहां पर पेशेंस एक ही है कि जो आदमी जितनी ज्यादा से ज्यादा नो सुनने के बाद भी मुस्कुराता रहेगा, ना सुनने के बाद भी मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि यहां पर रूल ये है कि जो आदमी जितनी नो सुनेगा उतनी ज्यादा उसके पास क्या आएंगी? यस, उतनी यस आएंगी, और जब यस ज्यादा आएंगी तो आदमी सक्सेस होगा, यस और नो? तो हम लोगों से
मेरे को एक ही बात बताई थी ओम प्रकाश जी ने, ग्रेवाल जी अगर आप नो सुन के नहीं डरे नहीं भागे तो आप डायमंड पक्के हैं। तो आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, तो हम नो सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि देखो नो सुनने का इस दुनिया में कोटा रहता है, हर एक चीज का कोटा रहता है। कई लोग चीनी ज्यादा खा देते हैं तो डायबिटीज हो जाता है, बाद में चीनी नहीं खा सकता, सही है। कई लोग क्या करते हैं, सारी जिंदगी में कभी नो किसी की सुनने से डरते रहते हैं, तो जिंदगी में जब भी कोई बात आती है पैसे देने की या मान सम्मान की, तो उनको बेचारे को नो नो सुननी पड़ती है। लेकिन एक बार अगर नो का कोटा खत्म कर देंगे तो बाद में नो तो आएंगी नहीं, सही है। तो नो का कोटा खत्म करने के लिए तैयार है? क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में सारी तरह के लोग हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। कुछ इस बिजनेस को देख के आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कई सारे लोग हमारे साथ आए, कई सारे नहीं आए, क्या मैं डायमंड नहीं बना क्या? कई सारे लोग आए, कई लोग नहीं आए, क्या ओम प्रकाश जी डायमंड नहीं बने क्या? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे फ्रेंड हो, वो आए या ना आए, लेकिन आपने फैसला लेना है कि आपने सक्सेस होना है, आपने डायमंड बनना है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और एक चीज के लिए, एक चीज से बिल्कुल भी डरना नहीं है, कि अगर नंबर एक कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा नो सुननी है, और नंबर दो आपने कोशिश क्या करनी है कि नो से घबराना नहीं है। जो आदमी इसमें ज्यादा नो सुनेगा, ज्यादा ना सुनेगा, उतनी ज्यादा यस आएंगी। अगर हम 20 लोगों से बात करेंगे, एक मिनट, अगर हम 20 लोगों से बात करेंगे तो कम से कम 5-4 तो हां आएंगी, यस और नो। अगर हम 100 से बात करेंगे तो कम से कम 10-20 तो ना आएंगे, यस आएंगी। लेकिन आप बताओ कि जो 100 लोगों से बात ज्यादा कर, जो 100 लोगों से बात करेगा वो ज्यादा ना सुनेगा, या जो 2 लोगों से बात करेगा वो ज्यादा ना सुनेगा? 2 लोगों से बात करेगा तो हो सकता दोनों मना कर दे या एक हां कर दे, 50% मिल जाए रिजल्ट। लेकिन अगर 100 से बात करेगा तो 50 ना सुनेगा तो 50 हां भी मिलने वाली है उसको, सही है। तो हम नो सुनने के लिए तैयार हैं? दोस्तों यही एक मंत्र है सक्सेस का इस बिजनेस में, इस कंसेप्ट में। अगर आप ना सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं या ज्यादा ना सुनने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, तो आपको यस आने के लिए वो एक्साइटेड हो जाती है और आपके साथ में ज्यादा सफलता मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों एटीट्यूड है। एटीट्यूड क्या होता है ये सबको मालूम है, दृष्टिकोण है, नजरिया है। किसी भी चीज को देखने का अपना अपना अलग एक नजरिया रहता है। किसी आदमी का पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, किसी का नेगेटिव रहता है, लेकिन एटीट्यूड को भी चेंज किया जा सकता है। अगर एटीट्यूड को हम चाहें तो पॉजिटिव एटीट्यूड में बनाया जा सकता है, बदला जा सकता है। नेक्स्ट है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब है सीखने की इच्छा। क्योंकि हम लोग पहले कुछ और काम करते थे, हो सकता हम अपने फील्ड में डॉक्टर थे, हो सकता हम अपने फील्ड में हम अकाउंटेंट थे, हो सकता अपने फील्ड में हम इंजीनियर थे, लेकिन यहां पे इस बिजनेस के बारे में तो हम डॉक्टर नहीं थे। तो इस बिजनेस के बारे में अगर हम सीखने के लिए लालायित है या सीखने के लिए तैयार है और साथ साथ में अपनी टीम को सिखाने के लिए तैयार है, तो दोस्तों यहां पे हमारी बढ़िया सक्सेस मिल सकती है। नेक्स्ट है होनेस्टी। अब ये होनेस्टी क्या होती है, सीधी सी बात है, सबको मालूम है ईमानदारी, लेकिन इसमें बिजनेस में होनेस्टी की क्या जरूरत पड़गी? इसमें तो कोई उधारबाजी है ही नहीं, लेकिन इसमें होनेस्टी है अपने प्रति। क्योंकि जब जब कोई रुकावट आएगी, आप बताओ कभी भी कोई मंजिल के लिए जाएगा तो रस्ते में गड्ढे और ब्रेकर आते हैं कि नहीं आते हैं? तो उस टाइम पे ऑनेस्टली अगर आप अपने आप को संभालते हुए आगे जाते हैं तो उसको ऑनेस्टी कहते हैं, या इस सिस्टम में बोलते हैं कि जो आदमी अपने बिजनेस के प्रति ऑनेस्ट है। आपको कभी भी कोई डाउट होता है तो जरूर एक बात सोच लेना कि मेरे सपनों को पूरा कौन करेगा, मेरा बिजनेस। मुझे सफलता कौन दिलाएगा, मेरा बिजनेस। मुझे जो मैं चाहता हूं, रिकॉग्निशन की बात आ रही है, कौन दिलाएगा, मेरा बिजनेस। कभी भी आप ये नहीं सोचना अपलाइन का बिजनेस है या दूसरे किसी का बिजनेस है, और ये बिजनेस आपने अगर करना शुरू कर दिया तो ये आपका बिजनेस है, और उसको ऑनेस्टली करना, ईमानदारी से करना, अपनी टीम का केयर करना, ये हमारी ड्यूटी है, सही है, यस और नो? तो दोस्तों ये चार बातें हैं, लेकिन एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जरूर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एटीट्यूड से ही सारी दुनिया का नजरिया दिखता है। एक बार क्या हुआ कि एक बंदे को बोल दिया, एक राजा को बोल दिया कि आप हरा हरा देखोगे, हरे के अलावा कोई भी कलर आपने देखा तो आप मर जाओगे। और राजा को तो बड़ी चिंता होगी, उसने रानी को भी हरा पहना दिया साड़ी, महल को भी हरा हरा करवा दिया, दूध में भी हरा रंग मिला के पीने लगा, सारी चीज हरा हरा। बाद में वो साधु वापिस आया, बोला जी आपने तो सारा ही हरा हरा कर दिया। बोला क्या करूं, नहीं तो मर जाऊंगा, नहीं तो कोई तरीका है ही नहीं। अरे बोला साहब, ये सब करने के लिए आपको सारी चीजों को हरा हरा करने की क्या जरूरत है? आप बताओ आसमान को तो हरा कर नहीं पाओगे, कर दोगे क्या वहां पुताई? बोला फिर मैं क्या करता,
उस साधु महात्मा से पूछा, बोला आप सिंपली एक तरीका कर लेते कि अपना दृष्टिकोण या नजरिया बदल लेते। बोला वो कैसे बदलेंगे? बोला हरा चश्मा लगा लो, सारा हरा दिखा देगा। हरा चश्मा लगा लो, हरा ही हरा दिखाई देगा। थैंक यू। तो दोस्तों यहां पे एटीट्यूड को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा ये हम समझने के लिए तैयार है कि ए स्मॉल ट्रूथ टू मेक लाइफ 100%। अगर जिंदगी में 100% सफलता लेनी है तो वो कहां से मिलेगी? नेक्स्ट, अगर हम ए बी सी डी ई एफ जी से लेके ए से जेड तक गिनती ले और उसको 1 से 26 तक का नंबर अलॉट करें तो किस वर्ड से सफलता मिलेगी 100%? नेक्स्ट, हार्डवर्क से 98% आती है, नॉलेज से 96% आती है। नेक्स्ट, लव से 54% आती है, लक से 47% आती है। देन व्हाट मेक्स द 100%? 100% फिर किससे आएगी? इज इट मनी? नो। कई लोग तो बोलते हैं जी बहुत पैसे वाले लोग तो जल्दी नेटवर्क बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इज इट लीडरशिप? नो। अकेले लीडरशिप क्या करेगी जब टीम ही नहीं होगी तो? नेक्स्ट, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन ओनली इफ वी प्रेफ्स चेंज आवर एटीट्यूड टू गो टू द टॉप टू दैट 100%। व्हाट वी रियली नीड टू गो फर्दर ए बिट मोर? नेक्स्ट दोस्तों, 100% सफलता दिना ले रही क्या है? एटीट्यूड। इट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ वर्क्स दैट मेक्स आवर लाइफ 100%। 100% सफलता लेनी है तो हमारा एटीट्यूड हमारे को सफलता दिला सकता है। नेक्स्ट, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अभी एटीट्यूड क्या होता है ये आप समझ ले, क्योंकि काफी सारे लोग समझदार हैं। कोई आदमी इस पानी के गिलास को आधा भरा बताएगा, कोई आधा खाली बताएगा। तो हमने क्या कौन सा बताना है? आधा भरा बताना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, किसी को ये क्या दिखाई देगा, किसी को क्या दिखाई देगा? किसी को लव दिखाई दे रहा है, इसके अलावा भी दिखाई दे रहा है, किसी को हेट भी दिखाई दे रहा है। सही है, ये सब नजरिया है, चीज तो एक ही है ना, ऐसा तो है नहीं दूसरे देखते तो ये है और तीसरे देखते तो ये है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये क्या है? जवान है या ओल्ड एज की माता जी है? यंग लेडी है या जवान है? मतलब ओल्ड लेडी है यंग लेडी है? अच्छा, जवान वाले कितने हाथ खड़ा करो? वेरी गुड, सही है। अच्छा, अभी अभी ओल्ड लेडी के वाले कितने हैं हाथ खड़ा करो? हाथ खड़ा करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, माताजी तो रहती है ना, क्या दिक्कत है? माताजी के बगैर क्या संसार, तो माताजी से चलता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी नजरिया दोनों का ठीक है, अगर हम केवल ऊपर ऊपर की तरफ ध्यान रखते हैं तो यंग है, अगर नीचे तक ध्यान देते हैं तो सही है। तो ये हमारा देखने का नजरिया रहता है, हम किस चीज को किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, कुछ हमारी सक्सेस के लिए, आगे चलो सर, इस स्लाइड को निकाल दो, आगे करो। नेक्स्ट दोस्तों, अभी इस बिजनेस की बात हम शुरू करनी शुरुआत कर रहे हैं कि इस बिजनेस में हमारे कुछ लोग, जैसे हम यहां पे ज्वाइन किया तो हम लोग यहां पे हो गए यू की जगह, हमारा नाम हो गया इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर IBO। हमारे ऊपर कुछ ना कोई ना कोई ना कोई अपलाइन है, अपलाइन लीडर्स। सबसे पहले तो हमने क्या करना चाहिए कि जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो कम से कम जो भी हमारे ऊपर तक के अपलाइन लीडर हैं उनका नाम हमको मालूम करना चाहिए। सही है, फिर उसके बाद या तो ये मदद करेंगे हमारी, ये नहीं तो ये करेगा, ये नहीं तो ये करेगा, ये नहीं तो ये करेगा, कोई ना कोई तो करेगा। सही है, दूसरी बात, हमने ध्यान कभी भी नीचे की तरफ देना है, क्योंकि हमारा परिवार यहां से शुरू हो गया और ये आपकी टीम है। जितना भी ये इसमें काम होगा, चाहे अपलाइन की मदद से हो, आपकी मदद से हो, चाहे इनकी मदद से हो, पूरा का पूरा वो आपका बिजनेस है। तो इसको नोट कर पाएंगे दोस्तों, आपके दांत बाद में। कई लोग बोलते हैं जी यहां पे तो दो लोगों को फंसाने का बिजनेस है, जैसे मान लो एक को इधर फंसा दिया, एक को इधर फंसा दिया, एक को जीरो कमवा दी, एक को जीरो कमवा दी, तो मैं क्या कमा लूंगा? दो जीरो। क्या कमा लूंगा? दो जीरो। अगर मैं इसको 50 लाख कमवा दूं, इसको 50 कमवा दूं, तो मैं क्या कमा लूंगा? 1 करोड़। तो आप मेरे को यह बताओ, ये फंसाने का बिजनेस है या कमवाने का बिजनेस है?
कमवाने का बिजनेस है। तो आपने अपनी टीम का यह ध्यान रखना है कि उनको जितना आगे आप बढ़ा सकते हो, जितना आगे उनको बढ़ने में मदद कर सकते हो, उतना ही आपका बिजनेस फ्लोरिश होगा, उतना ही अपना बिजनेस चमकेगा। नेक्स्ट दोस्तों, लेकिन एक बात है, अभी दो ऑप्शन है कि जब भी हम काम करना शुरू करते तो नए नए लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं तो नए नए सुझाव भी आएंगे, सही है। और नए नए सुझाव क्या आते हैं, कोई बोलेगा सर ऐसा करते हैं, हम एक ऑफिस खोल देते हैं और यहां पर दो चार लड़कों को नौकरी रख लेते हैं, वो हमारे लिए लोगों को ज्वाइन करा देंगे, हमारी टीम बन जाएगी, हम डायमंड बन जाएंगे। कई ऐसे सजेशन आते हैं, ये सुन लो। कई लोग कुछ बोलेंगे कि सर ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। दूसरा, अभी आप ये फैसला करना है कि अब मैं किसकी मानूं, या आप फैसला करते समय उस टाइम पे आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं किसकी मानूं, डाउनलाइन की मानूं या अपलाइन की मानूं। उस टाइम पे आपको फैसला लेना है, सॉरी थैंक यू, उस टाइम आपने क्या फैसला लेना है, सिंगल माइंड अप्रोच, रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, सी डुप्लीकेट, सी एंजॉय। एक मधुमक्खी का उदाहरण है कि वो क्या करती है, शहद लाती है, जमा करती है, शहद लाती है, जमा करती है, और दूसरी मक्खियों को भी लेके जाती है, शहद लाती है, जमा करती है, और ऐसे ऐसे करके वो एंजॉय करती है, और वो सेम चीजें दूसरों को सिखाती रहती है। अभी आप बताएं, अपलाइन ने वही काम करके सक्सेस ली है, तो दूसरा आदमी भी आके अगर वही काम करेगा, वैसे ही काम करेगा, सक्सेस ले सकता है कि नहीं, यस और नो? एक ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक पे चलेंगे, सक्सेस मिल सकती है, यस और नो? कई लोगों को लगता है कि जो हम फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं सिस्टम का, या जो वहां पर जो वेन्यू चलता है, तो फॉर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप बताओ, अगर फॉर्म नहीं होता तो सिस्टम नहीं होता, सिस्टम नहीं होता तो आप और हम भी नहीं होते, सही है, यस और नो? उसका जो मेन ओरिजिनेटर है फॉर्म है, वो फॉर्म अगर सभी लोग भरेंगे, सब अपने आई कार्ड बनाएंगे, सब लोग जैसे पहले बताया जा रहा है वैसे ही फॉलो करेंगे, तो काम चलता जाएगा। इसलिए बोलते हैं सिंगल माइंड अप्रोच, कि जैसे हमारे को बताया गया था सक्सेस लेने के लिए, वैसे ही करते जाए। यहां पे अभी 8 स्टेप आगे आएंगे, उनको अगर हम फॉलो करते जाएंगे तो हमारी सक्सेस मिलती जाएगी। अगर हम अपने अलग अलग आइडियाज बीच बीच में लाते जाएंगे तो उसमें हो सकता है रास्ता भटक जाए। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां पे हमको सिंगल माइंड अप्रोच से, यानी कि जो सिस्टम बोलता है वैसे काम करना चाहिए, या अपना दिमाग लगा करना चाहिए, सिस्टम के मातम, सिस्टम के मुताबिक करना चाहिए, सुन लो? कर पाएंगे? नेक्स्ट दोस्तों, ये तीन चीजें हैं जो आदमी को ना बड़ी सक्सेस दिलाने के लिए मतलब काबिल बनाती है। पहली चीज है कि 90% एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या होता है? खुश रहना, एक्साइटेड रहना, ऐसा महसूस करना कि जैसे कोई चीज मिल गई है, जैसे कोई चीज पा ली है, जैसे कोई मुकाम पा लिया है। लेकिन कई लोगों को लगेगा सर मैं ज्वाइन करते ही 15,000 का डीडी दे दिया, अभी मैं कैसे खुश रह सकता हूं? बताओ, जब तक मैं डायमंड नहीं बन जाऊंगा बताओ कैसे खुश रह सकता हूं, या जब तक मैं रूबी नहीं बन जाऊंगा, या 10-20 लाख रुपए नहीं कमा लूंगा कैसे खुश रह सकता हूं? ऐसा लगता है कि नहीं ऊपर वाले सर लोग, लगता है कि नहीं? लगता है।